मैंने बताया था कि राजा का सीधा बेटे नहीं हुआ करते थे, गोद लेके दूसरी जगह से आया करते थे, और राजाओं के इस प्रकार रिश्तेदारियां नहीं लगती, नहीं है सगी नहीं है, तो सब गोद आए हुए थे, ये अलग अलग बाप के बेटे थे। तो राजा बना उसके बाद वो राजा बना उसका बेटा थोड़ी है। नहीं, मैं बोला हूं क्लास के अंदर कि भारमल के गोद आया था भगवान दास, बाद में गोद आया मान सिंह, तो सब वैसे आया करते थे राजाओं के। मैंने बताया था कि बेटे होते ही नहीं थे राजाओं के, राजाओं को सबको गोद ले लेके पीढ़ी आगे बढ़ानी पड़ती थी। और जयपुर वालों की तो लगभग लास्ट वाली 5 पीढ़ियां लगातार गोद आई थी। मैंने नहीं बताई थी बबल्स वाली बात आपको कि भाई सवाई मानसिंह सेकंड था ना लास्ट, सवाई मानसिंह सेकंड, इससे लेके पिछले वाले जो 5 थे वो 500 गोद थे, इनके कोई बेटा ही नहीं हो रहा था। तो सवाई मानसिंह सेकंड के बेटा हुआ था भवानी सिंह, कौन हुआ था बेटा, उसके जब भवानी सिंह हुआ था रामबाग पैलेस में पार्टी दी थी, रामबाग पैलेस होटल है, तो कहते इतनी सैंपेन उछाली थी, इतनी ज्यादा सैंपेन उछाली थी कि पूरी रामबाग में बुलबुले बुलबुले हो गए थे। इसलिए भवानी सिंह के घर का नाम था बबल्स, घर का नाम ही क्या था। तो मैं वो पढ़ रहा था थोड़े दिन पहले, द प्रिंसेस रिमेंबर्स, गायत्री देवी की ऑटोबायोग्राफी, तो उसके अंदर गायत्री देवी भवानी सिंह का नाम, भवानी सिंह कहीं लिखती नहीं, हर जगह बबल्स ही लिखती, बबल्स ने ये किया, बबल्स ने वो किया, पर बबल्स वास्तव में भारत का बेहतरीन सैन्य कमांडर रहा है। नाम सुना है भवानी सिंह का आपने, ब्रिगेडियर भवानी सिंह है ना। वैसे तो जयपुर के, वैसे तो हम पढ़ते हैं भाई जयपुर के अंतिम राजा मान सिंह सेकंड थे, कौन थे, मान सिंह सेकंड, पर बाद में देश आजाद हो गया था, तो देश आजाद हो गया, देश आजाद हुआ तो जो राज्यों के पास में जो आर्मी थी, मतलब जयपुर की जो आर्मी, उस आर्मी का क्या करोगे, बीकानेर की जो आर्मी उसका क्या करोगे। तो मैंने दिन आपको पहले बताया था कि आर्मी सारी इंडिया को दे दी थी, इंडियन आर्मी के अंदर मर्ज कर दी थी, जैसे पूरा जो गंगा रिसाला हुआ करता था वो पूरा आपका 13 ग्रेनेडियर बना दिया गया था। यहाँ जयपुर वालों की सेना हुआ करती थी मान बटालियन, सेना कौन सी होती थी, मान बटालियन, मान बटालियन शायद अब आरआर है, राजपुताना राइफल्स जिसको बोलते हैं, आरआर जिसको बोलते हैं, वो इधर से ही है, ये मान बटालियन है। तो भवानी सिंह जो हुआ करते थे, भवानी सिंह बाद में आरआर के अंदर चले गए और मेजर बने थे, मेजर बन गए थे बाद में। 71 वाला जब इंडो पाक वॉर हुआ था, अपने पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ था, तो जैसलमेर वाले बॉर्डर पे भवानी सिंह की पोस्टिंग थी। भवानी सिंह इंडियन आर्मी को लाहौर तक ले जाता, लाहौर तक कब्जा कर लिया था इंडियन आर्मी ने, भवानी सिंह लाहौर तक चले गए थे और लाहौर में वहां पे बैंकों बैंकों पर कब्जे कर लिए थे। और मुझे इंडियन आर्मी की सबसे शानदार फोटो लगती है जिसमें एक इंडियन आर्मी का जवान है वो जीप के ऊपर बैठा हुआ है, जीप के ऊपर बैठा बैठा चाय पी रहा है और पीछे बोर्ड लगा हुआ है लाहौर 17 किलोमीटर वहां तक कब्जा था, ये पूरी टेरिटरी कब्जे में ले ली थी। और ये जो इधर वाला जो अपने जैसलमेर के अड़तावा पाकिस्तान है, ये हमने भारतीय क्षेत्र घोषित कर दिया था और यहां पर अपना कलेक्टर बैठने लगे थे, कैलाशदान उज्जवल अपने कलेक्टर बैठा करते थे, इंडियन इंडियन टेरिटरी हमारा क्षेत्र है, हमारा कलेक्टर बैठेगा यहां पर। 72 में बाद में शिमला समझौता करते हैं हम पाकिस्तान के साथ में, शिमला समझौता हुआ और शिमला समझौते के अंदर ये क्षेत्र वापस पाकिस्तान को दे दिया गया था। तो हमें तो कहते और है कि भवानी सिंह जी वहां जब लाहौर तक चले गए थे और वहां के जब पुलिस थानों पे, बैंकों पे, कई जगह पे कब्जा कर लिया था, तो ऊपर से जो उनके जो उच्चाधिकारी थे, उनके जो सीनियर थे, उन्होंने पूछा भाई तुम किससे पूछ के पाकिस्तान में घुसे थे, ये तो हमने कहा ही नहीं था इतना अंदर तक जाना है, उसने पूछने क्या हो सकता, मैं जयपुर का राजा हूं। भवानी सिंह को तो जबरदस्ती रिटायरमेंट और करवाया था कि भाई साहब घर जाओ, उनका आज ये पाकिस्तान की तरफ गया, कल को और कहीं चला जाएगा ये आदमी, और इनको कहो कि अब्बा साहब रिटायरमेंट ले लो, महावीर चक्र दिया गया, क्या दिया गया था, महावीर चक्र दिया गया था उस वॉर के लिए, और महावीर चक्र देके कहा था कि भाई अब आपको घर चले जाना चाहिए। तो रिटायरमेंट कुल मिला रिटायरमेंट ले लिया, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया होगा। तो ऐसी बातें की जाती है कि भाई उनको कहा था कि अब बहुत हो गया, अब आगे और पंगे कर जाओगे आप कहीं ना कहीं, महावीर चक्र देके उनको घर भेज दिया, महावीर चक्र बड़ा सम्मान होता। अब आया 89, श्रीलंका में एक संगठन हुआ करता था, कभी नाम सुना हो तो, लिट्टे, नाम सुना लिट्टे, क्या नाम था संगठन का, लिट्टे नाम का, LTT, क्या बोलते थे वो, अपना संगठन था भारत का, किसका संगठन था, उनको सारी सहायता अपने देते थे अनऑफिशियल, कैसे ऑफिशियली, तो वो एक आतंकवादी संगठन घोषित किया हुआ था और पूरा अपना था। श्रीलंका में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक श्रीलंका में रहते हैं सिंहली, कौन रहते हैं, ये वहां के लोकल है, एक वहां रहते हैं तमिल, कौन रहते हैं, ये अपने।
सिंहली वहां के लोकल है, इसलिए उसको सिंहल द्वीप कहते हैं, है ना। और तमिल जो है वो सारे के सारे क्या है, अपने लोग है, तमिल सारे के सारे अपने लोग है। तो वो जो तमिल रहा करते थे यहां पर, उनको ये सिंहली तंग करते, उनको लगता है हमारा देश है श्रीलंका, तुम तमिल क्या मांगते हो, तुम सारे इंडिया से आए हुए हो। तो तमिलों ने अपनी तरफ देखा, जब हमारा देश इंडिया है, हम श्रीलंका आगे रहने लगे, श्रीलंका वाले तंग करते हैं, कुछ तो आप भी हमारी तरफ सोचो। तो हमने कहा कि देखो, रोया बिना माँ ही दूध गुन प्यावे, बिना रोए तो माँ भी दूध ही, तो करो कुछ, खुद करो, खुद करोगे तो हम थोड़ी सहायता कर देंगे। तो उन लोगों ने एक संगठन बनाया, कौन सा संगठन था, इसको हथियार, इसको पैसे, सब कुछ अपने दिए हुए थे इसको, और अपने श्रीलंका पे पूरा कंट्रोल किया करते थे, भयंकर ढंग से कंट्रोल किया करते थे। मतलब श्रीलंका अपने खिलाफ बोलने की स्थिति में नहीं था। श्रीलंका कभी कहता है कि हम भारत के साथ संबंध नहीं बनाएंगे, हम चाइना के साथ संबंध बनाएंगे, और अपने इनको थोड़ा सा कहते भाई साहब एक बम कोलंबो की तरफ, थोड़ा उधर जाने दो। श्रीलंका दूसरे दिन कहता है कि धूड़ खाई, आप जैसे कहोगे वैसे कर लेंगे भाई साहब, आपके सामने बोलने की हमारी औकात थोड़ी। हमने कहा रे श्रीलंका, हमारा मैप लाते हैं तब तेरा मैप फ्री आता है, तू हमारे खिलाफ बोलेगा। कई सालों तक अपना बहुत अच्छा सिस्टम चला वहां पे, तमिलों का सिस्टम अच्छा चला, अपनी भी दादागिरी वहां पर ठीक चलती रही। इन बिटवीन श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बने जयवर्धने, कौन राष्ट्रपति बने वहां के, जयवर्धने एक राष्ट्रपति बने वहां के। अपने यहां पे प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, भोले थे राजीव गांधी, भोले थे, वाकई भोले थे राजीव गांधी एकदम। जयवर्धने राजीव गांधी को पटा गया, जयवर्धने ने राजीव गांधी को कहा कि यार हमारे देश के अंदर एक संगठन है और वो संगठन हमें तंग करता है और आपको हमारी सहायता करनी चाहिए। राजीव गांधी ने कहा हम क्या सहायता कर सकते हैं, तो यार उसको दबाने में हमारी सहायता करो, हमारे शांति नहीं है, हमारे देश में अशांति है। और राजीव गांधी ने कहा कि हम एक आर्मी भेजेंगे, पीस कीपिंग आर्मी, शांति सेना। क्या भेज देंगे, पीस कीपिंग आर्मी भेजेंगे, शांति सेना भेजेंगे। हमने समझौता किया, हमने शांति सेना भेज दी, किसके खिलाफ, शांति सेना का मतलब ये होता है भाई श्रीलंकन आर्मी लड़ेगी, हम पीछे लड़ेंगे, हम पीछे से सपोर्ट करते रहेंगे, बाकी लड़ेगी कौन सी, श्रीलंकन आर्मी। यहां श्रीलंका वालों ने एक धोखा और दिया, श्रीलंका रही पीछे, पीस कीपिंग आर्मी को तारा आगे। अब आपस में लड़ाई किसकी, पीस कीपिंग आर्मी की लिटेगी, इंडियन वर्सेज इंडियन, भारत वाले भारत वालों के खिलाफ लड़ रहे थे। लिट्टे को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लिट्टे को लगा यार आप हमारे खिलाफ ऐसे कैसे कर सकते हो, आपके कहने पे हम सब कुछ करते हैं और आपके आप हमारे खिलाफ आके हमें मारोगे। लिट्टे ने बहुत भयंकर ढंग से मारा था हमको। इंडियन आर्मी एक जगह डिफीट खाई थी 1989 श्रीलंका, इसलिए हम में से आप में से ज्यादातर लोग जानते भी नहीं कि 89 के अंदर भी इंडियन आर्मी को वॉर लड़के आई, हम नाम ही नहीं लेते। हम हमेशा युद्ध, भारतीय सेना ने कौन कौन से युद्ध किया कि 48, 62, 65, 71, 99, वाई नोट 89। हम उसको याद क्यों ना करें, इंडियन आर्मी तो भेजिए। ऑपरेशन पवन, कौन सा ऑपरेशन चलाया था, हालत इतनी खराब थी कि आर्मी का एक ट्रक जाता भर के उधर, वापस पूरी लाशें आती। क्योंकि लिट्टे एक तो हमारी सारी रणनीतियों के बारे में जानता था, लिट्टे की पूरी ट्रेनिंग इंडियन स्टाइल की थी, हमारी दी हुई ट्रेनिंग थी, उसको हमारी एक एक चीज पता थी कि हम कैसे मूव करते हैं, हमारे पास कैसे हथियार है, हमारी कैसे स्ट्रेटजी बनती है। फिर वो वहां के लोकलाइट्स थे, श्रीलंका के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी, वो उन जंगलों के बारे में बहुत अच्छी जानकारियां रखते। मेरे खुम्पोसा उसके अंदर थे, उस वॉर के अंदर थे, वो कई बार किससे बताते हैं उसके, बहुत कई बहुत रेयर लोग थे जो उसमें सौभाग्यशाली थे वहां से और बच के आए थे। तो वो कहते यार एक बार तो हम जा रहे थे और दो लड़के हमारे माइंस बिछाई हुई थी, लैंड माइंस बिछाई हुई थी पूरी की पूरी, कि हमारी पूरी टुकड़ी उड़ जाती उस दिन। तो यंग लड़के थे, पुल था, उस पुल के ऊपर से निकलना था, जो एकदम यंग लड़के थे वो थोड़े जोश के अंदर थे, नए नए लड़के दो भर्ती हुए थे एकदम, और कोई मामा भुआ के बेटे वैसे और थे बेचारे दोनों एकदम। तो वो आगे आगे फौजी जोश होता कि आगे 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 आगे, बाकी टुकड़े एकदम पीछे, एकदम आराम से शांति चल रही थी, यार पुल ही तो क्रॉस करना है, हम भाग के पुल क्रॉस कर लेते हैं। तो बाकी टुकड़ी थोड़ी सी पीछे, वो दो लड़के आगे, जैसे लड़के आगे बोले धड़ाम उड़ गए। उस दिन यदि वो लड़के धीमे धीमे चले तो हमारी पूरी टुकड़ी उड़े, वो लड़के थोड़े भागे इस चक्कर में, वो दो पहुंचे लैंड माइंस, जैसे पैर रखा, पैर रखा तो उड़ना ही था वहां पे, बाकी टुकड़ी बहुत पीछे रह गई। तो वो किससे बताते हैं कि मतलब किसी एक सोल्जर को पकड़ा, ट्रक का टायर होता, टायर गाड़ियों में टायर, ये गले में डाल के आग लगा दी,
भयंकर हालत कर दी थी लिखते वालों ने। इंडियन आर्मी का मोराल इतना डाउन जिसकी हद नहीं। दूसरा, तमिलनाडु में विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु ने कहा हम भारत से अलग होंगे, अपने तमिलनाडु ने कहा हमारे तमिल बैठे हैं वहां, हमारे तमिलों को तुम जाके मारोगे, ऐसे कैसे कर सकते हो। तमिलनाडु में डेली इंडियन आर्मी के खिलाफ नारे लगे, आर्मी के जवान मरे, हमारी आर्मी के खिलाफ नारे लगे। अब इस आर्मी के मोराल को अप करने के लिए क्या किया जाए। सेना का मनोबल गिरना बहुत बुरी बात है, सैनिक युद्ध लड़े, सैनिक युद्ध में मरे भी, ये सब चीजें है, कॉमन चीजें रहती है सेना के लिए, लेकिन यदि मनोबल डाउन हो गया तो वापस अप नहीं हो पाएगा। भारतीय सेना का एकमात्र उदाहरण है जब किसी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को वापस आर्मी के लिए बुलाया गया, मेजर भवानी सिंह, 72 के आसपास रिटायर कर दिया गया था, 89 में मेजर भवानी सिंह वापस बुलाए गए कि वापस आइए और वापस आके आप श्रीलंका जाइए। ब्रिगेडियर बनाया गया इस बार, ब्रिगेडियर भवानी सिंह को वहां पर भेजा गया, उन्होंने जाके जैसे तैसे करके इंडियन आर्मी को वहां से वापस निकाला कि अब चलेंगे अपने, अब नहीं रहना अपने, वहां से वापस निकालते हैं अपनी आर्मी को और वापस निकाल के यहाँ पे लेके आते हैं। तमिलनाडु में जब चेन्नई पोर्ट पर इंडियन आर्मी उतरी थी तो तमिलनाडु वालों ने पत्थर फेंक दिए थे, जैसे तैसे करके मामले को शांत किया। इसलिए हम कभी उसका नाम लेना पसंद नहीं करते क्योंकि तमिलनाडु के सेंटिमेंट्स प्रभावित होते हैं उससे। लिट्टे को इस बात पर बहुत गुस्सा आया, लिट्टे 91 के अंदर चुनाव चल रहे थे, राजीव गांधी तमिलनाडु के अंदर एक चुनावी सभा को संबोधित करने गए और उनका एक ह्यूमन बॉम्ब बन के आया वो बंदा, और उस बंदे ने महिला थी, उस महिला ने उड़ा दिया। राजीव गांधी को जब मार दिया तो हमने कहा कि ठीक है गलती थी, तो इंडिया को पीस कीपिंग आर्मी नहीं उतारनी थी, पर तुम भी हमारे प्रधानमंत्री को हाथ नहीं लगा सकते, ऐसे तुम कल को किसी को मार जाओ। हमने गलती की तुम्हारे खिलाफ, होगी जो बात होगी, पर तुम प्रधानमंत्री कैसे मार सकते हो। और उसके बाद हमने लिट्टे से पूरे हाथ हटा लिए, हमने लिट्टे को सहायता देनी बंद कर दी। लिट्टे अपने पीछे तो कूद रहा था, जैसे हमने लिट्टे से पूरी तरीके से हाथ उठाए श्रीलंका लिट्टे पर हावी हुआ। 2007 तक आते आते लिट्टे को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, और जैसे लिट्टे खत्म हुआ, आप तो कभी पुराने अखबार मिले तो पढ़ना, 2007 के बाद के अखबार पढ़ना, हम तो प्रत्यक्षदर्शी हैं उन चीजों के कि अखबारों की न्यूज ये होती थी। श्रीलंका ने कहा कि भारत के साथ अब दोबारा संधि नहीं की जाएगी। श्रीलंका ने कहा कि श्रीलंका का हम्बन टोटा बंदरगाह चाइना के द्वारा विकसित किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो दबाव था श्रीलंका पर वो तो किसके माध्यम से था, लिट्टे के माध्यम से था। श्रीलंका में एक राष्ट्रपति बना महिंद्रा राजपक्षे, अभी है तो ये उस टाइम हुआ करता था, महिंद्रा राजपक्षे उस टाइम हुआ करता था। महिंद्रा राजपक्षे पूरी तरीके से चाइना की गोद में जाके बैठ गया, जो चाइना कहेगा वैसा हम करेंगे। हमारी हालत खराब, क्या श्रीलंका बात नहीं माने अपने, ठीक है अपने नीचे बैठा हुआ। श्रीलंका बात नहीं मानने का मतलब यह है कि यदि श्रीलंका में चाइना हावी हो गया तो हिंद महासागर में हमारी स्थितियां प्रभावित होती है। श्रीलंका वहां पर अपना मिलिट्री बेस बनाने लग गया था, और यदि वहां मिलिट्री बेस श्रीलंका का बनता है तो हमारा पूरा साउथ उनके रडार पे आता है एकदम। इधर हम अरुणाचल प्रदेश में फेस कर रहे हैं, इधर साउथ में और फेस करेंगे भाई। बाकी भारत पंजाब वाली साइड से पाकिस्तान को फेस कर रहा है, नॉर्थ ईस्ट की साइड से चाइना को फेस कर रहा है, एक साउथ ही तो बचा हुआ है। साउथ में यदि चाइना आ गया तो आप इधर से और फेस करोगे इसको, अब इसका क्या इलाज किया जाए। 2014 के आसपास में श्रीलंका में चुनाव होने थे, 15 में श्रीलंका में चुनाव होने थे, 14 में अपने नई नई गवर्नमेंट आई थी इधर, नई नई गवर्नमेंट ने सोचा भर क्या किया जाए। पहले से प्लानिंग चल रही थी, सरदार जी के टाइम से प्लानिंग चल रही थी कि श्रीलंका का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। और वहां महिंद्रा राजपक्षे की गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट थी इनकी, इनको लगे कि हम रिपीट करेंगे गवर्नमेंट को, हम मैं वापस जीत जाऊंगा उसको लग रहा था। हमें लगा कि राजपक्षे वापस जीत गया तो अपने को खराब करेगा, तो हमने राजपक्षे की सरकार में एक रक्षा मंत्री हुआ करते थे, विक्रम सिंघे नहीं और ही कुछ नाम था उनका, तो मेरे नाम ही निकल गया दिमाग से, वो तो मैत्रीपाल सिरिसेना नाम करके एक बंदा हुआ करता था, रक्षा मंत्री था, बहुत तो ईमानदार, हार्डकोर ईमानदार टाइप का आदमी था। इंडिया वालों ने मैत्रीपाल सिरिसेना से कॉन्टेक्ट किया कि हम तेरे को राष्ट्रपति खड़ा कर देते हैं। उसने कहा मेरे को वोट कौन देगा, हमने कहा वोट हम दिला देंगे, तू तो ये घोषणा कर देगी मैं खड़ा हूंगा, क्योंकि हमारे तमिलों के वोट तेरे को मिल जाएंगे और तू ईमानदार आदमी इस चक्कर में, बाकी श्रीलंका वाले भी तेरे को वोट दे देंगे। तो उसने कहा पैसे नहीं है, आ जाएंगे तुम चिंता मत करो। हमने मैत्रीपाल सिरिसेना को पहले महिंद्रा राजपक्षे की पार्टी से अलग किया, अलग करके उसे चुनाव लड़वाया और जीती, वहां छोटी छोटी पार्टियां थी उनको पैसे देके गठबंधन करवाया, हमारे तमिलों को कहा कि वोट इधर देने, मैत्रीपाल सिरिसेना को वहां पर राष्ट्रपति जिता दिया। आप स्टेटमेंट जिस दिन दो न्यूज मुझे आज भी याद है, दो न्यूज एक साथ थी, एक न्यूज इधर लिखी हुई है श्रीलंका में मैत्रीपाल सिरिसेना जीते अब होंगे नए राष्ट्रपति, दूसरी न्यूज साइड के अंदर है पूर्व राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि मेरी हार में भारत का हाथ है।
मेरी हार में किसका हाथ है? और हमने कहा हाथ नहीं, हम पूरे हैं, हम पूरे तुम्हारे अंदर आ गए थे। इस बार हमारे रो का एक ऑफिसर था, रो है अपने रो का एक ऑफिसर था। तो महेंद्र राजपक्षे ने बाकायदा कहा कि रो के एक ऑफिसर को केवल स्पेशल मुझे हराने के लिए अपॉइंट किया गया था श्रीलंका में, और आज चुनाव का रिजल्ट आया, आज उसको श्रीलंका से वापस बुला लिया गया, मतलब इस काम के लिए भेजा हुआ था। हमने कहा कि भाई उस आदमी की तो लास्ट पोस्टिंग श्रीलंका थी, और चूंकि आज उसका रिटायरमेंट होना था, हमें क्या पता तुम्हारा आज रिजल्ट आएगा, तो आज रिटायरमेंट होना था, तो हमने उस बंदे को बुला लिया। अब अगले दिन की न्यूज सुनो, मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि चाइना के साथ संबंधों को दोबारा देखा जाएगा। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि भारत के साथ संबंधों को और मजबूत किया जाएगा। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि हंबनटोटा बंदरगाह चीन की जगह भारत को दिया जाएगा। मैत्रीपाल सिरिसेना ने कहा कि पहली विदेश यात्रा भारत की जाएगी। हम माई बाप थे, और वो फिर बहुत फेमस किस्सा, मैत्रीपाल सिरिसेना पहली विदेश यात्रा के लिए भारत आए, मोदी जी उनके स्वागत के अंदर भाषण दे रहे थे, तो मोदी जी की अंग्रेजी थोड़ी मेरी तरह, अब तो थोड़ी इंग्लिश अच्छी की है, पहले तो एकदम पूरी मेरी तरह हुआ करती थी। तो बाकायदा वो लिखा हुआ जो भाषण होता प्रॉम्प्टर वगैरह पे लगाया हुआ, इंग्लिश वाला भाषण वैसे पढ़ लिया करते थे। तो किसी ने, आप जैसे कोई इंग्लिश मीडियम टाइप वाले बच्चे ने लिख के दिया होगा उनको, जब ये भाषण आपको आज ये पढ़ना है, तो उसने लिख के दिया भाई मिस्टर सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना, तो प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड मिसेज सिरिसेना लिखा हुआ। अब वो मिसेज में लिखा हुआ मिसेज, मोदी जी का प्रेसिडेंट सिरिसेना एंड एमआरएस सिरिसेना नहीं आया, नाम नहीं आया जल्दी में, क्या लिख दिया एमआरएस है, एमआरएस भर देते हैं अपने, कोई बात नहीं है सिरिसेना यहां पर। अब थोड़े दिन बाद वहां हुए प्रधानमंत्री के चुनाव, तो राजपक्षे प्रधानमंत्री में खड़ा हो गया। राजपक्षे वापस किसमें खड़ा हो जाता है? प्रधानमंत्री। हमने वापस इस बार प्रधानमंत्री खड़ा किया हमारा कुमार विक्रम सिंघे, और कुमार विक्रम सिंघे को वहां प्रधानमंत्री जिताया, और हमने राजपक्षे को कहा कि तेरे को हम पार्षद नहीं जीतने देंगे, तेरे जो गलत फहमी है ना वो निकाल के रखना। इसलिए बेचारा राजपक्षे 2018 के आसपास, कोरोना से थोड़ा दिन पहले, 19 कोरोना 20 में आया था, 19 के आसपास 7 दिन तक दिल्ली बैठा रहा था। अपने नेताओं की आता जोड़ी की बापूड़ो करियर बर्बाद हो जाएगा, तुम कहोगे वैसे कर लूंगा लेकिन चुनाव लड़ने दो और चुनाव जीतने दो, तुम जैसे कहोगे वैसे कर लूंगा। तो हमने इस बार इस बार उधर कोई इंटरफेयर ज्यादा किया नहीं, इस बार वहां पे कौन जीत के आया? राजपक्षे। पर आजकल श्रीलंका चाइना की इतनी बातें नहीं करता, इसलिए चाइना का आजकल ध्यान नेपाल भूटान पे है। चाइना का ध्यान किधर है? अब चाइना, अब चाइना और श्रीलंका की न्यूज नहीं देखोगे ज्यादा, कि श्रीलंका और चाइना को एक दूसरे के नजदीक जा रहे हैं। तो मुझे भवानी सिंह उसमें याद आते हैं, लिट्टे वाले उस अभियान में इंडियन आर्मी का मोराल अप करने वाला यदि कोई बंदा था तो वो कौन था? ब्रिगेडियर भवानी सिंह। और बड़ी जोरदार बात, इंडियन आर्मी हीरो है इंडियन आर्मी का, वो इंडो पाक वॉर वो जिता के लाए थे, ऑपरेशन पवन से वो निकाल के लाए थे, उसके अंदर सिंगल पाई इंडियन आर्मी से पैसे नहीं लिया करते थे, तनख्वाह नहीं। ये राष्ट्र रक्षा है। पहले जब हमारा देश जयपुर हुआ करता था और हम जयपुर के राजा थे तो हम जयपुर की तरफ से लड़ते तो क्या पैसे लेते थे जयपुर से? नहीं, हमारा धर्म था कि हम राष्ट्र की रक्षा करेंगे। अब हमारा देश जयपुर नहीं है, अब हमारा देश कौन सा बन गया? इंडिया। तो क्या इंडिया की तरफ से लड़ने के पैसे लिए जाने चाहिए? थोड़ा सिंगल पाए। मुझे यह बात और जब जोरदार लगती है, मैंने आपको एक बंदा बताया था कि मानसिंह सेकंड राजस्थान के एकमात्र राज प्रमुख बने थे। मानसिंह जी को जब राज प्रमुख बनाया गया था तो मानसिंह जी को कहा गया कि अब आजीवन राज प्रमुख हो। कैसे राज प्रमुख हो? आजीवन राज प्रमुख हो, मतलब जब तक आपकी जिंदगी है तब तक आप राज प्रमुख हो। यह बात की गई उनके साथ में 49 में, कब की गई? उस बंदे को 56 में हटा दिया गया। कब हटा दिया गया? 56 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और अमेंडमेंट कर कहा देश में कहीं भी राज प्रमुख नहीं बनेगा, सब जगह राज्यपाल बनेंगे। सब जगह क्या बनेंगे? राज्यपाल। और कहा भाई राजस्थान में राज प्रमुख सवाई मानसिंह सेकंड, इनको हटाया जाता है, राजस्थान में राज्यपाल बनाया जाता है सरदार गुरुमुख निहाल सिंह। राजस्थान के पहले राज्यपाल कौन बना दिया गया? सरदार गुरुमुख निहाल सिंह को राज्यपाल बना दिया गया। तो मानसिंह सेकंड ने नेहरू जी को लेटर लिखा, और नेहरू जी का, नेहरू जी आपने 7 साल पहले बात की थी कि आजीवन मैं रहूंगा, 7 साल बाद में आपने तो मुझे हटा दिया। जवाहरलाल नेहरू का एक सिंगल लाइनर रिप्लाई है कि संविधान कभी पत्थर नहीं हो सकता, संविधान कभी पत्थर में चेंज नहीं आते, संविधान में तो चेंज आएंगे, हमने संविधान में चेंज कर दिया, हमने पहले कहा था राज प्रमुख होंगे, अब हम कह रहे हैं राज प्रमुख। उस आदमी ने कहा कोई बात, जैसा आप मानते हो वैसा कर लिया जाए अपने आप में। एक हिसाब से तो लगना चाहिए कि उस आदमी के हित प्रभावित हुए, उसका जो परिवार है वो तो एंटी इंडिया हो जाना चाहिए, उसके परिवार को लगना चाहिए कि नहीं यार
हमारे साथ इन्होंने धोखा किया, इन्होंने पहले कहा था कि हम राजप्रमुख बनाएंगे और बाद में हमें राजप्रमुख के पद से हटा दिया। नहीं, उस आदमी का बेटा भवानी सिंह है, भवानी सिंह इंडियन आर्मी के लिए लड़ा है। खूब सारे किस्से हैं देश को बनाने में, देश यूं नहीं बनते हैं, कई लोगों को त्याग बलिदान करने पड़ते हैं। तो बबल्स, क्या नाम था उसका, बबल्स, कौन से वॉर की बात है ये, 71, कौन से की 71 का वॉर, तो हर राजस्थान वाले को यूं ही पढ़ना चाहिए। 71 का वॉर इंडिया ने तीन लेवल पे जीता था, बांग्लादेश, इधर जैसलमेर बॉर्डर, इधर पंजाब, तीनों जगह पे जो आर्मी के कमांडर थे वो राजस्थानी थे। पंजाब साइड में हनूत सिंह, उधर आपके ढाका वाली साइड के अंदर सगत सिंह, इधर ये आपके जयपुर महाराजा थे, भवानी सिंह को इनकी पोस्टिंग की भी थी। उनमें सगत सिंह जो ढाका वाले बॉर्डर पे थे, वो तो कहा जाता है कि आज दिन तक के इंडियन आर्मी के बेहतरीन कमांडर हुए हैं, उनसे अच्छा कमांडर इंडियन आर्मी नहीं देख पाएगी। उस बंदे ने केवल 71 नहीं जिताया था, उस बंदे के तीन युद्ध जीते हुए, 61, 67, 71। सबसे बड़ी बात देखो, हमारा बच्चे इन युद्धों के बारे में जानते भी नहीं है। 61 गोवा पे कब्जा किया था भारत ने, गोवा हमारे पास नहीं था, गोवा पुर्तगाल के पास था, गोवा किसके पास था, पुर्तगाल के पास में हुआ करता था। 61 के अंदर हमने गोवा पर हमला किया और गोवा पर हमला करके जीत लिया। गोवा पर हमला करने वाला जो इंडियन कमांडर था, उस आदमी का नाम था सगत सिंह। क्या नाम था, सगत सिंह हुआ करते थे, उन सगत सिंह ने वहां पर हमला किया था। कहते हैं गोवा में इधर पणजी के पास से, और यह था कि पणजी को वो रात को पहुंच गए थे, शाम जैसे गहराने लगी तब वो पणजी पहुंच गए थे, और यह था कि जब सुबह होगी तब अपने पणजी के अंदर घुसेंगे। उधर से पुर्तगाल ने अपनी नेवी तैयार कर ली थी, पुर्तगाल ने कहा ऐसे कैसे घुस जाएंगे, हम हमला करेंगे वापस इंडिया पर, हमारी नेवी जाएगी अंदर नहीं घुसने देगी। सगत सिंह को लगा गया रात का वेट कौन करे, सुबह तक का वेट कौन करे, घुस जाते अंदर तो घुसेंगे कैसे, बीच में से नदी है, नदी तैर के इंडियन आर्मी घुस गई थी, घुस जाओ अपने। तो सुबह तक तो पणजी पे कब्जा ही था, पुर्तगाल जब तक नेवी भेजता तब तक तो हमने भारतीय झंडे लहरा दिए थे। पुर्तगाल तैयारी कर रहा था उधर से कि हम सुबह रवाना करेंगे। फिर इंग्लैंड ने पुर्तगाल को समझाया, यार हम इतना बड़ा इंडिया छोड़ के आ गए, तू इतना सा गोवा, चिन्ना सा गोवा, उसके लिए नेवी भेजेगा, छोड़ अब। पर इंग्लैंड ने इंडिया वालों को कहा कि तुमने भी बहुत गलत किया यार, ऐसे थोड़ी होता, रातों रात थोड़ी घुस जाते हैं किसी के अंदर, छोड़ देते यार, हम भी तो 47 में छोड़ के आए थे, अब भी छोड़ देते तुम्हारा, तुमने ये क्यों किया, और आज से अपनी दोस्ती आपस में नहीं, हम तुम्हारे दोस्त नहीं है। और यूरोप वाले कई देशों ने अपने से दोस्तियां खत्म कर ली। 61 में हमने गोवा पे तो कब्जा कर लिया था, लेकिन गोवा पे कब्जा करने के साथ साथ में हम कईयों की दोस्तियां खो चुके थे, इसलिए मौका मिला चाइना को, इसलिए 62 में हम पर हमला कर देता है। यूं ही नहीं होता कि 62 में चाइना आ गया, ये घटनाएं पीछे से चली आ रही थी। हम 61 के अंदर गोवा पर कब्जा कर चुके थे, इसलिए कई देश हमारा समर्थन वापस ले चुके थे। चाइना को लगा आजकल इंडिया अकेला, इसलिए चाइना हिम्मत करता है, 62 में हम पर हमला कर देता है। 62 में हम हारते हैं, पर हारने के बाद में इंडिया का मनोबल बहुत डाउन हुआ था, इंडिया को बहुत बुरा लगना शुरू हुआ, हमें लगा कि यार हम चाइना के सामने कुछ है ही नहीं। 67 की बात, अरुणाचल प्रदेश के अंदर एक पास पड़ता अपना नाथुला, अरुणाचल में नाथुला पास पर फिर पोस्टिंग की गई एक लड़के की, एक नया कमांडर वापस भेजा गया, कमांडर कौन था, नाथुला पास पर। स्थिति ये कि लाइन खिंची हुई है बीच में, लाइन के उस तरफ चाइना है, लाइन के इस तरफ इंडिया है, पर चाइना वालों की जब मर्जी आए तब इंडिया वाली लाइन के अंदर घुस जाए और मारपीट करके चले जाए, हथियारों से नहीं, धक्का मुक्की कर लेनी आपस में, गालियां निकाल के चली जानी। और चाइना वाला एक कमांडर तो और जोरदार है, वो उस साइड में डीजे लगाता, डीजे लगा के हिंदी भाषा के अंदर भारतीयों को गालियां निकालता, डीजे से गालियां निकालते बेटे सारे दिन बैठे बैठे उतर। इंडिया वाले मतलब वो मोराल डाउन होता है ना, तब हट्टे कट्टा नौजवान यार चाइना वाले, इतने इतने से होते हैं, आंखें पूरी खुलती नहीं है उनकी। अपना को डंका हरियाणा का जवान गए, चार पांच लगा दे तो मर जाए वो वहां पे, लेकिन धक्का मुक्की में भी अपने वालों को लगता है यार नहीं नहीं, ऊपर से ऑर्डर नहीं है, कल को धक्का मुक्की की उधर से फायरिंग हो गई, चार लोग मर गए अपने, और दिक्कत हो जाएगी। सगत सिंह को लगा यार ये तो बहुत बुरी व्यवस्था है, तो कहा इस यहाँ पे फेंसिंग की जाए, तारबंदी कर दो बाउंड्री पे, क्या कर दी जाए, तारबंदी कर दी जाए। तो बाउंड्री पे तारबंदी करने लगे, तारबंदी करने लगे तो चाइना वाले आगे उनको तारबंदी नहीं करने देंगे, कैसे कर सकते हो आप तारबंदी यहाँ पर, और हम करने नहीं देंगे तुम्हें तारबंदी, करने नहीं दोगे, तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम करें या तारबंदी नहीं करें, हम करेंगे, हमारी दिशा के अंदर कर रहे हैं, हमारी जगह में कर रहे हैं, तुम्हारी जगह में थोड़ी कर रहे हैं। चाइना वालों ने विरोध किया तो सगत सिंह ने ऑर्डर दिया कि अंदर घुस के इनका कैंप उड़ा दो। इंडियन आर्मी चाइना बॉर्डर के अंदर घुसती है, उनका कैंप उड़ा देती है पूरा का पूरा। 67 नाथुला युद्ध हम चाइना से जीते हैं। मुझे इस बात पर बड़ा अजीब लगता है कि हम 62 जानते हैं पर 67 नहीं जानते, इसलिए आज भी हर कोई
चलता का देता है, चाइना हमें हरा सकता है। अरे हमने हराया चाइना को 67 में और चाइना कुछ नहीं बोल पाया। तो उल्टा इंडियन आर्मी उसमें तो और जोरदार। सगत सिंह से जब पूछा गया कि भाई तुम क्यों घुसे, तो सगत सिंह ने कहा हमने नहीं घुसे थे, चाइना हमें घुसा था। पर चाइना हमें घुसेगा तब तो हम लड़ाई करेंगे और क्या करेंगे। तो भाई इंडियन वालों ने कहा चाइना वालों को तुम घुस गए थे अंदर, चाइना वालों ने कहा तुम आओ बॉर्डर पे एक बार, तुम्हारे 25 फौज, अपने कोई 25 एक फौजी मरे थे, उनके कोई 300 एक फौजी मरे थे, ऐसे कैंप उड़ाया था उनका। तो कहा यार तुम्हारे जो 25 फौजी मरे ना उनकी लाश हमारी साइड में है। तो ये कब होगा जब तुम्हारे वाले हमारे अंदर घुसेंगे, तभी तो गोलियां लगने से इधर होगी उनकी। अब हमने कहा घुस गए तो घुस गए, हमने तो फिर भी कहा कि तुम घसीट के ले गए होंगे, घुसे नहीं थे हम नहीं घुस पाए। सगत सिंह अपना वो हीरो है। सगत सिंह फिर 67 में वहां नाथुला थे, 67 के बाद सगत सिंह को भेज दिया गया उधर ढाका वाली बॉर्डर पे। अपनी जो ईस्टर्न कमांड है, ये जो पूर्वी कमान है, इसके उस समय जो वो कमांडर हुआ करते थे उनका नाम था जगजीत सिंह अरोड़ा, जग्गी, क्या नाम था, जगजीत सिंह अरोड़ा, जग्गी यहां पे अपने ईस्टर्न कमांड के कमांडर हुआ करते थे। और सगत सिंह की पोस्टिंग की हुई थी ढाका बॉर्डर पे। 71 में तनातनी होने लगी थी, पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में आपस में लफड़ा चल रहा था। भाई हुआ क्या था कि विभाजन के बाद इधर वाला तो पश्चिमी पाकिस्तान और इधर वाला पूर्वी पाकिस्तान, पंजाब वाला जो पाकिस्तान है इसको पश्चिमी पाकिस्तान बोलते और बंगाल वाला जो पाकिस्तान था इसको क्या बोलते थे, ईस्टर्न पाकिस्तान। अच्छा पाकिस्तान देखो बड़ी गजब चीज है, पाकिस्तान की मांग किसने की कि भाई पाकिस्तान मिलना चाहिए, यूपी बिहार के मुसलमानों ने। ये मांग किसकी थी कि पाकिस्तान मिलना चाहिए, यूपी बिहार के मुसलमानों ने। विभाजन किसका हुआ, पंजाब और बंगाल, जिन्होंने पाकिस्तान मांगा था वो पाकिस्तान गए नहीं, पाकिस्तान वो गए जिन्होंने पाकिस्तान, भाई शुरुआत की मांग उन लोगों की नहीं थी, फिर फाइनली भले ही वो शामिल हो गए हो लेकिन शुरुआती मांग में यूपी बिहार वाले लोग शामिल थे, नेता ही सारे यूपी बिहार के थे। अब ये यूपी बिहार वाले नेता जो थे ये तो जाएंगे उधर, जब यही मांग रहे थे तो लियाकत अली जिन्ना गुजरात के थे, बाकी ज्यादातर यूपी बिहार के हुआ करते थे, ये सारे के सारे उधर चले गए। यूपी में मुसलमानों की भाषा थी उर्दू, भाषा कौन सी थी। अब नेताओं ने वहां जाके कहा कि पूरे देश में लगाएंगे उर्दू, इस बात पे बांग्लादेश वाली साइड वाला जो पाकिस्तान था उसने विरोध कर दिया, उसने तो उर्दू कैसे लगा सकते हो, हमारी भाषा है बांग्ला और हमारी भाषा यहां पर रहेगी। पाकिस्तान अब चलती इनकी थी इधर वालों की, इस पंजाब वालों की चलती थी, इस पंजाब वालों ने कहा ठीक है उर्दू लगा लो, तो उर्दू लग भी गई थी। इसलिए आज भी इधर वाला जो भी पाकिस्तान है उसमें लिखने की भाषा उर्दू है, बोलते आज भी सारे पंजाबी हैं, बोलते आज भी सारे कौन है, आप किसी इमरान खान ये जितने क्रिकेटर इनको सुन लेना आपने, तो अपने और तो किसको सुने, इनको सुन लो, ये सारे के सारे पंजाबी बोलते हैं अभी भी, क्योंकि बोलचाल की भाषा कभी चेंज नहीं हो सकती, बोलचाल की भाषा वही रहेगी। लिखने को अपने भी हिंदी और इंग्लिश लिखते हैं, पर जैसे इस कैंपस से बाहर निकलते अपने अंदर से हमेशा मारवाड़ी निकलती है। भाई किसी की यदि भाषा हिंदी इंग्लिश है तो बात अलग है, बाकी आप राजस्थानी बोलते हैं, बाहर जाके हिंदी नहीं बोली जाती अपने से, तो वो क्यों है, लिखते भले ही उर्दू है लेकिन बोलते सारे के सारे पंजाबी। पर इन्होंने इतना विरोध नहीं किया, इनको यहाँ पे सत्ता में चाशनी मिल गई थी थोड़ी, बंगाल वालों को चाशनी और नहीं मिली थोड़ी, उनका बेचारों का कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं था। तो ढाका यूनिवर्सिटी के लड़के एक दिन विरोध कर रहे थे कि साहब हमारे देश में उर्दू नहीं लगाई जा सकती, हमारे देश में क्या लगनी चाहिए, बांग्ला। पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग करती है और 5 लड़के मारे जाते हैं। वो दिन था 21 फरवरी, वो दिन क्या था, इसलिए 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मदर टंग डे यदि कभी मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है, 21 फरवरी, क्योंकि ढाका विश्वविद्यालय के 5 छात्रों को इसलिए मार दिया गया था क्योंकि वो अपनी मातृभाषा बांग्ला के लिए क्या कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे। यहां से ये मांग और उठी, पहले वो केवल भाषा की मांग कर रहे थे, अब उन्होंने कहा हमें तो देश अलग चाहिए, जो देश अलग चाहिए, तो उन्होंने बांग्लादेश के अंदर आंदोलन कर दिया। बांग्लादेश में आंदोलन किया तो इधर वाले पाकिस्तान से आर्मी जाके बांग्लादेश के आंदोलन को कुचलने लगी। जब आर्मी ने कुचलना शुरू किया तो बांग्ला के खूब सारे लोग अपने इंडिया आने लगे और इंदिरा गांधी ने कहा शरणार्थी कितने रखेंगे अपने, और हमने कहा कि हमारा पूरा सपोर्ट है तुम्हें, हमने पूरा देश बनाया पाकिस्तान, बांग्लादेश देश पूरा पूरा अपना बनाया हुआ है, हमने पूरी आर्मी भेजी अपनी और आर्मी भेजेगा इसको अलग ही कर दो, वहां पाकिस्तान की आर्मी लड़ रही है, लड़ो इनसे जाके। हमने कहा तो यह था कि हम नहीं लड़ रहे, बांग्लादेश खुद लड़ रहा है, और हमने बांग्लादेश वालों का कहा कि झूठी मूठी सेना बनाओ रे, तो बांग्लादेश वालों ने एक झूठी मूठी सेना बनाई, बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी मोर्चा। कौन सी बनाई थी, बांग्लादेश मुक्ति, बांग्लादेश को मुक्त करवाने के लिए एक मोर्चा बनाया गया। पर काय मोर्चा था, पूरी इंडियन आर्मी लड़ी थी उसके अंदर, मोर्चे वालों से काय लड़ाई हो रही थी, बापड़े लठ वठ लेके घूम रहे थे इधर उधर, बंगाल वाले की लुंगियों में घूमते रहते हैं, पूरी इंडियन आर्मी उतारी थी, वहां पाकिस्तान की आर्मी है सामने, आप कैसे लड़ लोगे। इंडियन आर्मी उतारी, इंडियन आर्मी का जो कमांडर था वो कौन था, इधर अपने ईस्टर्न कमांड के कमांडर हुआ करते थे जगजीत सिंह अरोड़ा। तो जगजीत सिंह जी ने सगत सिंह को कहा कि मेघना नदी तक जाना है, कौन सी नदी तक जाना है,
ढाका के पास में एक नदी पड़ती है मेघना, कि मेघना तक जाना, फिर मैं जो आगे आदेश दूंगा उसका पालन करना, और तुम शाम तक मेघना पहुंच जाना। क्या ठीक है? इंडियन आर्मी सुबह तक ही मेघना पहुंच गई, तब शाम तक क्या करे? सगे सिंह का क्रॉस कर लो। तो क्रॉस करने का मतलब था बांग्लादेश पे कब्जा, और आप किसी देश पे यूं जाके कब्जा, तो बांग्लादेश नहीं था तब, ये पाकिस्तान हुआ करता है इसका नाम। आप पाकिस्तान पे कब्जा करने जा रहे हो, तो कैसा ऊपर से आदेश नहीं है? तो मैंने दिया आदेश तुम्हें, कब्जा किया जाए। तो ये घुस गए, शाम तक तो घुस ही गए थे, मेघना क्रॉस की, मेघना क्रॉस करके ढाका में घुस गए। और ढाका में जैसे घुसे, ढाका के लोगों ने क्या स्वागत किया है, क्या भयंकर स्वागत किया है। कॉलेज की लड़कियां ना आके अपने सोल्जर से कोई गले लगी है? इंडियन आर्मी जिंदाबाद, इंडियन आर्मी जिंदाबाद के नारे लगे। हमने घुसने के बाद सगत सिंह ने वापस मैसेज किया जगदीत सिंह अरोड़ा के पास, ढाका कंकर्ड, ढाका पे हम कब्जा कर चुके हैं, ढाका जीत चुके हैं। जगजीत सिंह को बड़ा गुस्सा है, और जगजीत सिंह भाई ये क्या तरीका है, तुम ऐसे कैसे अंदर घुस सकते हो और तुम वापस आओ, मैंने आदेश दिया ही नहीं, तुम अंदर कैसे आ गए? उसने कहा आप तो आ गए, और जैसा स्वागत हो रहा है ना हमारा, वापस आने का हमारा जीव नहीं गिरे। अब मैं दो सूरत में वापस, जगजीत सिंह ने कहा तुम्हें आना ही पड़ेगा वरना मैं तुम्हारा कोर्ट मार्शल कर दूंगा। उसने कहा दो कंडीशन है जब मैं आ सकता हूं, या तो जब प्रधानमंत्री कह दे कि वापस आना है, दूसरा यदि मैं मर जाऊं, ऑन माई डेड बॉडी, मेरी लाश पर से तो आप भले ही ले जा सकते हो, बाकी मैं आर्मी वापस नहीं हटाऊंगा, हमने कब्जा कर लिया तो अब कर लिया। तो जग्गी ने इंदिरा गांधी के पास मैसेज करवाया, भाई हमने ये कब्जा कर लिया, अरे ऐसे नहीं होते हैं कब्जे, और इसको कहो कमांडर को, मेरी तो मान नहीं रहा, इसको कहो वापस आए। इंदिरा गांधी मीटिंग ले रहे थे, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री हुआ करते थे, रक्षा मंत्री का नाम क्या था, बाबू जगजीवन राम रक्षा मंत्री थे, बाबू जगजीवन राम बराबर बैठे हुए। आईएएस के पास में सूचना जाती, पहले फोन वोन किया, कोई तार वार भेजा, आईएएस के पास गया दुष्मिता, भाई ढाका जीत चुके हैं पर ये ऐसा हुआ है, हमें वापस आना है। तो उसने वो पर्ची बेचारे ने ले जाके आगे बाबू जगजीवन राम को दी, कि बाबू जगजीवन राम ने वो पर्ची पढ़ी कि भाई ढाका जीत चुके हैं, उन्होंने वो पर्ची इंदिरा गांधी की तरफ दिया। इंदिरा गांधी कहते हैं कि बहुत ज्यादा वैसे रहा करते थे, हंसते हंसते नहीं थे, किसी के साथ सीरियस रहते हमेशा नेताओं में, प्रधानमंत्री के थोड़ा होता भी है, क्यों सबके सामने क्या दांत निकालते घूमू, आप ध्यान रखना पड़े आपको हमेशा। और आप कभी भी नोटिस करना, महिला नेता जितनी होती है वो सारी खड़ूस होती है, जरूरी है ऐसा करना, वरना पुरुष हावी हो जाएंगे, आपको काम नहीं करने देंगे। उनके लिए जरूरी रहता है कि भाई नहीं आप उतने खड़ूस रहो, तो जयललिता तो थान, तो जयललिता एक चेयर लगेगी, बाकी सब खड़े रहेंगे, जितने आएंगे वो खड़े रहेंगे, मैं ही बैठूंगी, तू भले कोई मंत्री है सामने मेरे ऑफिस में है तो तू खड़ा रहे, एक चेयर एक, मैं बैठूंगी इधर। मायावती के फिर किससे है, बड़े से बड़ा मंत्री ने उसका सैंडल औकात के अंदर रखा जाए सबको, और महिलाओं के लिए मुझे लगता है ऐसा जरूरी है, वरना पुरुष राज नहीं करने दे उनको। इसलिए मैंने एक बार कभी पहले बात बताई होगी कि जब कहते ना कि महिलाओं का राज आएगा तो थोड़ा ममतापूर्ण वातावरण होता है, ना उल्टा खड़ूस बनाता है। महिला जैसे उस पोस्ट पे आती है, महिला भगवान जाने क्या बनती है बाद में। तो इंदिरा गांधी एकदम वैसे खड़ूस टाइप की हुआ करते, पर हंसते हंसते नहीं थे किसी के साथ। उस दिन कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जैसे ही वो पर्ची पढ़ी, जिस पर्ची पे लिखा था ढाका कंकर्ड, हम ढाका जीत चुके, इंदिरा गांधी डांस किया था, मतलब ये गैलरी में दौड़ती हुई आई थी, वी गॉट इट एक फोटो है जिसमें इंदिरा गांधी की साड़ी का पल्लू यू लहरा रहा है, उसके हाथ के अंदर पर्ची है। ढाका बड़ा गजब जीत के आए थे, और उस दिन हमने पाकिस्तान में 90,000 फौजियों को सरेंडर करवाया था। पाकिस्तान कितने फौजियों सरेंडर करवाया था, ना भूतो ना भविष्य थी, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ जब एक पूरी की पूरी आर्मी घुटने टेकती है, नाक रगड़ती है कि गलती हुई, अब से लड़ाई नहीं करेंगे हम। 71 में 90,000 फौजियों से सरेंडर करवा लिया था हमने, और उन सबको यहीं पे रखा था, 90,000 फौजियों को। मुझे तो ये और बड़ा अजीब लगता है कि हम सगत सिंह को तो नहीं जानते, कोई बात नहीं कि सगत सिंह एक कमांडर हुआ करते थे उस टाइम, लेकिन उस समय अपने थल सेनाध्यक्ष हुआ करते थे सेम मानेकशॉ। यदि भारत में रहने वाला कोई बंदा सेम को नहीं जानता है तो उसे भारत में रहने के अधिकार समाप्त किए जाने चाहिए। सेम बड़ा गजब आदमी था, सेम मानेकशॉ पारसी थे, सेम मानेकशॉ पारसी थे, स्टाइलिश मुछे रखा करते थे, बड़े स्टाइलिश बंदे थे, हमेशा यूं अच्छे कपड़ों के अंदर ना फैशन था कि कपड़े कभी मैं यूं पुराने कपड़े कैसे पहन लू, ऐसा होता ही नहीं था सेम के साथ। और बड़ा बोल्ड आदमी, एक सेम ऐसे बंदे थे जो इंदिरा गांधी को भी कुछ भी बोल दिया करते थे। इंदिरा गांधी ने जब उनको 71 में जब जून के आसपास कहा था कि जून के अंदर तुम पाकिस्तान पर हमला कर दो, और सेम ने कहा था कि नो मैडम, जून में हमला नहीं किया जा सकता। तो हमला कब करोगे? हमला तब करेंगे जब बर्फ गिरने लगेगी, क्योंकि जब बर्फ गिरने लगेगी तो चाइना की तरफ से पाकिस्तान को कोई हेल्प नहीं मिलेगी।
कि हिमालय पूरा बर्फ से आच्छादित हो जाएगा, चाइना वाले इधर आ ही नहीं पाएंगे, पाकिस्तान अकेला पड़ जाएगा, अकेला पड़ेगा तब बोर करेंगे। ये कब आएगा? दिसंबर, दिसंबर में हमला करेंगे। इसलिए बांग्लादेश को आजाद 16 दिसंबर को करवाया गया है, 16 दिसंबर को वो हम विजय दिवस मनाते हैं। तो बहुत शानदार डायलॉग है ना। इंदिरा गांधी ने वापस पूछा कि कमांड, दिसंबर जैसे आया तो वापस 1 दिसंबर के आसपास इंदिरा गांधी ने मैसेज किया कि क्या आप तैयार हो आप इस बात के लिए? यस स्वीटी। तो इंदिरा गांधी को स्वीटी कहने वाला यदि कोई बंदा था तो वो बंदे 71 की वॉर के बाद में सेम इतने फेमस थे कि देश में बातें थी कि सेम अब देश पर कब्जा करेंगे। जैसे पाकिस्तान में होता है, कोई भी सेना का कमांडर जब हावी होता है तो प्रधानमंत्री को उठाकर वहां पर बन जाता है। तो इंदिरा गांधी के जब शाम को डिनर का प्रोग्राम था, इंडियन आर्मी के जो भी मेजर थे, जो अफसर थे, उनको डिनर के लिए बुलाया गया प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर। तो इंदिरा गांधी ने पूछा कि सैम मैंने सुना है कि तुम तख्ता पलट करोगे, मेरी जगह पे तुम आओगे। सैम हंसे और सैम ने हंस के कहा कि मुझे लगता है मेरे और प्रधानमंत्री में एक ही समानता है कि तुम्हारी नाक भी तीखी और मेरी नाक भी तीखी है। इंदिरा गांधी की नाक तीखी हुआ करती थी, सैम की नाक बहुत तीखी थी। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि मेरे में पीएम मटेरियल टाइप की कोई भी चीज है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मैं देशभक्त आदमी हूं, मैं सैनिक हूं और सैनिक कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। सर्वोच्च आदेश जो कहे जाए सैनिक वहां पे लड़ेगा। जब सैम अपने यहाँ पे थल सेना अध्यक्ष हुआ करते थे तब पाकिस्तान में उधर थल सेना अध्यक्ष राष्ट्रपति थे पाकिस्तान के, यह्या खान। कौन थे? जब अंग्रेज जब तक देश नहीं छोड़ के गए थे उससे थोड़े साल पहले सैम अंग्रेजों की आर्मी में रिक्रूट हुए थे और सैम के जूनियर हुआ करते थे यह्या खान। जब सेना का विभाजन किया जा रहा था 47 में का, मुसलमान फौजी पाकिस्तान जाएंगे, इंडियन सोल्जर जो हिंदू सोल्जर जितने भी वो कहां रहेंगे? इंडिया। पारसी चूंकि इंडिया में रहे थे तो सैम भी कहां पर रहेंगे? इंडिया। तो जब यह्या खान जा रहे थे, यह्या खान जूनियर थे, तो यह्या खान ने सैम से कहा कि सर आपके पास वो एक जो बाइक है, उनके पास उस टाइम की कोई महंगी बाइक थी, उस समय 8-10 हज़ार रुपए की बाइक आया करती थी, कि वो जो सर आपके पास एक बाइक है वो बाइक मुझे चाहिए सर। तो ठीक है ले लो। तो सर मेरे पास इतने रुपए नहीं जितने की बाइक है। सैम ने कहा दे देना, तो जितने दे उतने दे देना यार। और फौजियों में ये होता है कि जूनियर कुछ भी मांग ले फिर सीनियर उसके लिए मना नहीं करता। सैम ने दे दी बाइक। यह्या खान ने फिर कहा कि ये जो इतने रुपए में लूंगा ये रुपए भी अब मेरे पास नहीं है, पाकिस्तान जाके दूंगा। सैम ने कहा ठीक है पाकिस्तान जाके दे देना। लेकिन यह्या खान ने पाकिस्तान जाके सैम को रुपए भेजे नहीं, खा गया यह्या खान पैसे, खा गया। मतलब पाकिस्तान आ गए तो मेरे से कौन लेगा, पैसे खा गया सैम वहां पे। अब 71 वाली वॉर जीत गए। 71 की वॉर जीतने के बाद में अपने सैम इधर से प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे और किसी पत्रकार ने पूछा कि आपने पाकिस्तान जीत लिया इस पर आप क्या कहेंगे, आपने ऐसा क्यों किया, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। सैम हंसे, सैम बड़े मजाकिया बंदे थे। सैम हंसे, सैम ने हंस के कहा कि आज के 20-25 साल पहले यह्या खान मेरी बाइक ले गया था और उसने उसका हिसाब नहीं किया था, इसलिए मैंने उसका आधा देश ले लिया। मैंने उसका भाई पहले दो हिस्से, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश, तो मोटरसाइकिल का हिसाब तो आपको चुकाना पड़ेगा, मैं इस बार ले चुका हूं उसको। इसलिए हर बच्चे को आज घर पे जाके खूब सारी बातें पढ़ना। इंडियन आर्मी ऐसा कमांडर नहीं देख पाएगी सैम जैसा, और गजब के नेता थे उस टाइम में। नेता ही मान लो आप, थल सेना अध्यक्ष था अपने आप में, तो फौजियों का तो नेता ही हो गया वो। और कित क्या फौजी राजी रहा करते थे सैम से, क्या उस समय का जो हमारा डिफेंस स्टाफ था वो राजी रहा करता था, क्या लीडरशिप क्वालिटी थी। मुझे कई बार लगता है कि यार हम 47 के बाद की इंडियन आर्मी की हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ाते, हमारे बच्चे 47 के बाद की इंडियन आर्मी का क्या इतिहास है, इसमें कौन कौन लीडर रहे उनको क्यों नहीं जानते। हम जानते पहले वालों को, हमने राजस्थान जी के पढ़ा था, हमारे कमांडर्स के नाम पढ़ते हैं, दुर्गादास राठौर को हम क्यों पढ़े, इसीलिए तो पढ़ते हैं क्योंकि अच्छे डिप्लोमेट थे। तो उसके बाद वालों में भी तो गुण रहे होंगे, उनके बारे में जानना चाहिए। हम के एम करियप्पा के बारे में क्यों नहीं जानते? करियप्पा भारत के पहले थल सेना अध्यक्ष हुए थे। करियप्पा के बेटे को 65 वाली वॉर में पाकिस्तान की वायुसेना ने पकड़ लिया था, वायुसेना में थे उनके बेटे, उधर पकड़ लिए गए, पाकिस्तान की वायुसेना ने उनको पकड़ लिया था। पाकिस्तान की वायुसेना को जब पता चला कि करियप्पा का बेटा है, पाकिस्तान की वायुसेना ने कहा करियप्पा से बात करवाई जाए, क्योंकि करियप्पा जब सीनियर हुआ करते थे तब तक पाकिस्तान वाले फौजी भी यही हुआ करते थे, तो बेचारे पाकिस्तान वाले फौजी भी उनके जूनियर थे। और करियप्पा को उन्होंने मैसेज किया कि सर हम आपके बेटे को छोड़ देंगे, आपके बेटे के साथ हमने कोई भी वो जबरदस्ती वगैरह नहीं की, हम बाकियों को नहीं छोड़ेंगे, आपके बेटे को छोड़ रहे हैं। करियप्पा का जवाब है कि नहीं, छोड़े जाए तो सब छोड़ जाए वरना मेरा बेटा भी वहीं रहना चाहिए, मारे जाएंगे तो सारे मारे जाएंगे, जिंदा रहेंगे तो सारे जिंदा रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि करियप्पा का बेटा अकेला आए और बाकी लोग नहीं आ पाए। कौन ले पाता ऐसे डिसीजन? इंडियन जो सरकार थी वो तैयार थी, चलो एक तो आ रहा है वापस तो ले लिया जाए आपने। करियप्पा ने इंडियन सरकार का दिमाग खराब है, पूरा देश हंसेगा नहीं इस बात पे कि करियप्पा तुम्हारे देश का सर्वोच्च कमांडर था और उसने अपने बेटे को वापस बुला लिया। नहीं, करियप्पा का बेटा वहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान की आर्मी ने करियप्पा के बेटे के साथ खूब ही अच्छा बिहेव किया था बाद में कि नहीं यार ये करियप्पा सर करियप्पा का बेटा है।
उस शायद युद्ध समाप्त होने के बाद में वो और पाकिस्तान बॉर्डर पे गए थे, तो पाकिस्तान बॉर्डर पे पाकिस्तान वाली तरफ चले गए थे, जितने पाकिस्तान वाले सोल्जर थे उन्होंने सैल्यूट मारे थे, या सर करियप्पा आए हैं, हम सर करियप्पा के बारे में नहीं जानते, वो भारत के फील्ड मार्शल हुआ करते थे। करियप्पा को जब थल सेना अध्यक्ष बना रहे थे, करियप्पा अपने पहले थल सेना अध्यक्ष थे, अपने डूंगरपुर के एक बंदे हुआ करते थे नाथू सिंह राठौड़, वो उस समय कोई ब्रिगेडियर लेफ्टिनेंट जनरल टाइप के हुआ करते थे। नेहरू जी का यह मानना था कि नाथू सिंह को कहा जाए कि आप बनो, नाथू सिंह राठौड़ का आप थल सेना अध्यक्ष बनो, तो नाथू सिंह राठौड़ ने नेहरू जी को कहा कि नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैं जूनियर हूं, सर करियप्पा सीनियर है, करियप्पा नहीं मैंने मैं बनू, नहीं ये बात नहीं होगी। तो नेहरू जी के दिमाग में किसी अंग्रेज को बनाने की बात थी कि फिर किसी अंग्रेज को बना देते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी वालों के पास इतना एक्सपीरियंस तो है नहीं, नहीं नहीं आर्मी बनेगी थल सेना अध्यक्ष को अंग्रेज होगा ठीक संभाल लेगा, मैकेंजी था बुच्चर था कोई एक था उसको बना रहे थे इधर। नाथू सिंह राठौड़ वापस खड़े हुए, उन्होंने कहा करियप्पा क्यों ना बने, मुझे आप पहले तो मुझे बनाना चाहते, मैं नहीं बनना चाहता क्यों, करियप्पा सीनियर है तो करियप्पा को ही बनाया जाना चाहिए अपने आप के अंदर। तो नेहरू जी ने वापस कहा कि करियप्पा के पास में एक्सपीरियंस नहीं है थल सेना अध्यक्ष बनने का। नाथू सिंह राठौड़ वापस कहता तो आपको प्रधानमंत्री का एक्सपीरियंस है, फिर आप प्रधानमंत्री क्यों बन रहे हो, प्रधानमंत्री किसी को बना दिया जाए, तब जाके कौन बन पाए थे, करियप्पा, कौन बन पाए थे, करियप्पा याद किए जान से, करियप्पा एक नाम भूल रहा हूं, थे पे नाम था जिनका, टिम्मी, टिम्मी कहते थे उनको, टिम्मी, टिम्मी बड़े शानदार जनरल हुए अपने, सेम मानेकशॉ बड़े शानदार जनरल हुए, सगत सिंह बड़े शानदार जनरल हुए, एक अपने गुजरात के थे राजेंद्र सिंह जडेजा, वो बड़े शानदार जनरल हुए, इनके बारे में तो ढूंढ ढूंढ के पढ़ा करो। अनुज सिंह मैंने बताया 71 बोले अनुज सिंह अपने आप के अंदर, पर ये तो वह है कि अमेरिका के इतिहास में सबसे बेहतरीन उनका कमांडर माना गया था पैटन, पैटन उनका बहुत बेहतरीन कमांडर माना गया था, सगत सिंह के लिए कहा जाता है इंडियन पैटन थे। मैंने दिन पहले ही आपको बताया था कि आप झारखंड महादेव वाले मंदिर से इधर आएंगे तो उधर बागदा सगत सिंह चौक है, आप कभी जोधपुर जाएंगे आर्मी एरिया में जैसे घुसेंगे वहां पर सगत सिंह मार्ग है, तो और वो कभी फोटो देखना, वो फेमस फोटो है जिसके अंदर पाकिस्तान का वो जो कमांडर है नियाजी, वो जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर पर साइन कर रहा है, और सरेंडर पर जब साइन कर रहा है तो पीछे एक लड़का खड़ा है, सबसे लंबा जो उनके अंदर बंदा खड़ा वो सगत सिंह, 6.5-6 feet 7 inches के आसपास माइट हुआ करती थी, तो खूब लंबे चौड़े डील के डाकी टाइप के आदमी थे। जब 61 में गोवा पे कब्जा कर लिया था, गोवा पे कब्जा करने के बाद में आगरा में एक होटल पड़ता है सिराजी क्लार्क्स, पता ही थी मैंने शायद दो दिन बाद, अब आगरा का सिराजी क्लार्क्स होटल है, सगत सिंह उस सिराजी क्लार्क्स होटल में घुस रहे थे, उस होटल में घुस रहे थे तो वहां दो बंदे खड़े थे, दो अमेरिकन खड़े थे, और वो बताई थी मैंने, वो सगत सिंह तरफ यूं पॉइंट आउट करके बात कर रहे थे, जाके पूछा गया अरे तुम, हम अमेरिकन से, तुम मुझे कैसे जानते हो, क्योंकि हम पुर्तगाल जाके आए थे और पुर्तगाल में तुम्हारे हर जगह पे पोस्टर लगे हुए हैं जिंदा या मुर्दा। आज दिन तक एकमात्र ऐसा हुआ किसी दुश्मन देश ने किसी दुश्मन देश के कमांडर के पोस्टर अपने देश के अंदर लगा दिए होगी, जो जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा $10,000 देंगे। तो सगत सिंह उसको कहते हैं ले चलो, तो फिर उसने कहा वीजा खत्म हो गया, वरना तो पूछने की जरूरत नहीं थी, ले जाते हम तुमको।